तो जानव विचारिशेष खबर इतिम्य पाकिस्तान जेलर पर पुने पुने स्वदेशर माटित भरी थे नगावर वाहिदा बेगमे वाहिदा बेगमक सुदीर्घ डेरटा बसर अंत पाकिस्तान जेलर पर यार भारत सरकार तत्परत एबार पाकिस्तान सरकार एरे दी बाध्य नगावर वाहिदा बेगम और एगार बसिया पुत्रक आम मुहूर्त जानव विचारिशा भल खबर एट गुरुत्वपूर्ण खबर एट डांगर खबर सुदीर्घ डेरटा बसर अंत वाहिदा बेगम और एगार बसिया पुत्र स्वदेशर माटित भरी थ वाघा सीमानर दुआरे भारत सरकारक पाकिस्तान अर्पण कर वाहिदा इतिम्य वाहिदा अर्पण करदर वाघात उपस्थित वाहिदार मातृ और पर भारत सरकार वाहिदा ग्रहण कर पाशते स्वास्थ्य परीक्षा कर 2022 सन नवेम्बर माहर पाकिस्तान कारारुद्ध हो नगावर वाहिदा बेगम वाहिदा निरुद्देश सम्पर्क मातृ नगावर सदर थाना गोचर तरी और पर्यक्रमे अवशेष भारत सरकार तत्परत मुक्ति कर दी बाध्य हल पाकिस्तान नगावर वाहिदा बेगम आम यह मुहूर्त जाना गुरुत्वपूर्ण खबर क्यों एगी वाहिदा बेगम नगावर एगी महिला आगी महिला 2022 सन नवेम्बर माह अंतर्धान और अंतर्धान हर पाशते मातृ नगाव सदर थाना गोचर तरी और गोचर तरार पाशते एगी वाहिदा बेगमक पाकिस्तान उद्धार कर पाकिस्तान वाहिदा बेगम थकार खबर लाभ कर पाकिस्तान जेल कैदी हिसाब से थकार खबर लाभ कर तार पिछते वाहिदा बेगम पुनः स्वदेश उभतें आनबर कारण घर उभतें आनबर कारण पर फल जथेष कष्ट आरम्भ कर भारत सरकार सहितेलोके जोगाजोग करिसिल आनकि न्यायालय मजियाले गई दिल्ली उच्च न्यायालय देशर उच्चतम न्यायालय द्वारस्थ हुई और शेष देखा पा गई है आज दिन प्राय डेरटा बसरे जी खबर रही आज जी खबर कारण नगावर रही आगी वाहिदा बेगम जीगी महिला एगी पुषर सहते हठात अंतर्धान हर पाशते वाहिदा बेगमे जैसे पाकिस्तान जेल कैदी हिसाब से थकबलगा एगी जेलबंदी हिसाब से आगी नगावर वाहिदा बेगम केनेक घर उभता आनब पारि केनेक भारत में उभता आनब पारि सम्पर्क पर बारे बारे भारत सरकार सहित जोाजोग कर और भारत सरकार तत्परत भारत सरकार नेतृत्व वैदेश मंत्रणालय नेतृत्व अवशेष एगी वाहिदा बेगम आज घर किसु मुहूर्तर पाशते आज कई परहिलेकर भरते वाहिदा बेगम नगावर घर उपस्थित हबहि वाहिदा बेगम वाहिदा बेगमक इतिम्य खबर लाभ करुसरी वाघा सीमानरे पाकिस्तान इतिम्य भारत सरकारक अर्पण कर वाहिदा बेगम और एगार बसिया पुत्र तार पाशते वाहिदा बेगम स्वास्थ्य परीक्षा कर स्वास्थ्य परीक्षा कर पाशते वाहिदा बेगम आसलते सरकार जीखिनि जावतीय काम काज आछे सकलोखिनि काम समाप्त करि होयतो असिरे एगराकी वाहिदा बेगम उपस्थित हबहि नगावर निजर बासगृह आमि एबार पुरे पुने वाहिदा बेगमर जीगराकी अधिवक्ता आसिल बा एई गुसरर सम्पर्कत जीगराकी अधिवक्ताय अहरह प्रचेष्टा अब्याहत राखिसिल अधिवक्ता गराकीर मन्तव्य देखबले चेष्टा करिसु सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आसाम की बेटी वाहिदा बेगम को पाकिस्तान की सरकार ने आज वाघा बॉर्डर पर में भारत की सरजमीन पर उसे पहुँचा दिया है। पाकिस्तान की सरकार उसे सुबह 8:30 बजे भारत की जमीन पर पहुंचा दिया है। अभी वाहिदा बेगम का भारत सरकार की ओर से मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद जो भी भारत सरकार का अधिकारी है वो न्याय संगत भारत की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक जो भी होगा ऑर्डर कंप्लायंस कराएगा। उसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रोड्यूस करे या उसके पेरेंट्स वहाँ पहुँचे हुए हैं उसके हैंड ओवर करें। जहाँ तक रह गई कि आसाम की सरकार का आसाम में चूँकि यह मुद्दा आसाम से रिलेटेड है आसाम में इसके वाहिदा बेगम का किडनैपिंग का केस ऑलरेडी रजिस्टर था। नागौर पुलिस भी बाघा बॉर्डर पर पहुंच चुका है और वो भी वहां से तहकीकात कर रहा है कि वाहिदा बेगम को नागौर पुलिस अपने पास ले जाए और वहां के जुडिशियली सिस्टम के मुताबिक वहाँ के मजिस्ट्रेट के यहाँ उसका 164 बयान करावे। अब यहाँ लीगल क्वेश्चन ये उठ रहा है कि आसाम पुलिस और सुप्रीम कोर्ट के बीच के 164 का स्टेटमेंट कंसर्न कोर्ट में कराया जाए या हैवियस कॉर्पस रिट के तहत उसे सुप्रीम कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। इस पर अधिकारियों की अभी बातचीत चल रहा है। हो सकता है अब इस लेकर सुबह तक उसे